कैसे हैं आप सभी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्यागन। आप सभी को पता है नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं 2022 के लिए। अब बच्चों, आप सभी बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें खाली हैं, मैं फॉर्म भरूँ या नहीं। तो बच्चों ये बातें ध्यान रखने वाली हैं कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में सब कुछ बात करने वाले हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म है, मतलब डिस्ट्रिक्ट खाली है या नहीं, आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, हम सब कुछ समझाएंगे आपको, आपको कैसे पता करना है आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें खाली हैं, कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, या किन बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए अब की बार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए। अगर फॉर्म भर देते हैं उसके बाद भी आप सभी का जो एडमिशन है नहीं होगा बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको क्लास 9 के लिए। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए फॉर्म कब आए और लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, 31/10/2021 आप सभी की लास्ट डेट है। और 9 फरवरी को पेपर होने वाला है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा कब पेपर होने वाला है, कैसे होगा, कैसे आपको पता करना है आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी लिस्ट जा रही है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ मैं इस टाइम, और यहाँ पे देख लीजिए इस टाइप का ऑप्शन आता है जब आप इस पर क्लिक करते हो। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे, नवोदय विद्यालय क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, हमने इस पर क्लिक कर दिया, हमने इस पर क्लिक किया, आगे हमें ये ले जाएगा नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल पेज है। ठीक है, इस प्रकार का। अब यहाँ पे आप साइड पे देख रहे होंगे क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा एक, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये आ रहा है ना क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्ट, आपको इस पर कहीं पर भी क्लिक कर देना है, हिंदी इंग्लिश पे दोनों पे। अब बच्चों आपको इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड कर लोगे तो आपको इसी में सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा, आपको इसी में सिलेबस मिल जाएगा, सब कुछ इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बच्चों आपको इसको डाउनलोड ज़रूर से कर लेना है। ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूँ अब नवोदय विद्यालय का जो कितनी सीटें खाली हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो बच्चों देख लीजिए कितनी सीटें खाली हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप देख लीजिए। अब आपको यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम, आपको पहले तो स्टेट का नाम ढूंढ लेना है आपने। ठीक है, अपने स्टेट का नाम ढूंढ लोगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे टोटल वैकेंसी सीट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे वैकेंसी सीट के नीचे देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है भिंड, अब भिंड डिस्ट्रिक्ट में कितनी टोटल सीटें हैं, एक ही है ओनली। अब एक किसके लिए, वो रूरल के। अगर आप गर्ल हो और आप ST हो मतलब अर्बन से हो तो आप फॉर्म अप्लाई मत करो। ठीक है बच्चों, आप फॉर्म अप्लाई मत करो क्योंकि वो सीट ओनली उसी को जाने वाली है जिसके नाम पे वो लिखी गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें खाली हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए। और बच्चों हम आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 की पूरी तैयारी अब की बार हम करवाने वाले हैं आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमें। ठीक है, तो बच्चों करना कुछ नहीं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है और सिलेबस के ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो आएगा नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो सिलेबस क्या है 2022 के लिए। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से पता करना है नवोदय विद्यालय क्लास 9 में कितनी सीटें आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा नए नए वीडियो देखने के लिए। तो बच्चों मिलते हैं कल के एक और नई वीडियो में।